हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। यार का जिम जाना भी नहीं हुआ और फेस का देखो कैसा हो रखा है एकदम। और मेरा ठंड इतनी पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ। आजकल पता ही नहीं चलता दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। इतनी जल्दी तो है ना 6 बज जाते हैं शाम के, और इतनी जल्दी मतलब 7:30 बजे भी है ना ऐसा लगता है फोग हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सो गाइज अभी चलो काम करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उठ गए हैं तो नहा धो के जल्दी से काम कर लेते हैं। बाकी यार आजकल फीवर भी रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है। आप लोगों का भी तो अपना ध्यान रखना और घर के अंदर ही रहना, तो अच्छे से पहन के रखना। तो चलो कर लेते हैं अपना काम। तो गाइज कर दिया सारा काम, सफाई डन हो चुकी है। चलते थोड़ा देखते बाहर कैसा मौसम हो रखा है। और ये देखो यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं इन्होंने, वहाँ लोग हैं हमारे घर वाले भी। इन लोगों की कमी है देखो, घर के पीछे बैठ जाती है। और ये उसका बच्चा भी है, वो देखो हो गया, पता नहीं क्या करने में लगे ये लोग। चूहे चूहे ढूंढ रहे भाई, चूहे विद फैमिली चूहे ढूंढ रहे। अरे भाई बच गई, चला गया एक तो गया। ओए क्या कर रहा है ये, देखो ये गया गया गया, पता ही नहीं क्या चलता रहता है इन लोगों का। और मौसम देखो गाइस, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पतंग उड़ा रहे हैं। आजा बिल्ली का बच्चा है ये, इसकी मम्मी तो भाग गई है बेचारा, यहाँ बैठ गया। गाइस पतंग उड़ने वाली है, देख लो उड़ने लगी है, मतलब पतंग उड़ने लगी है। देखो इधर भी उड़ रही है और ये लोग भी उड़ा रहे हैं पतंग। ये कट गई है देखो, भाग रहे हैं। हद है यार, पकड़ लिया है पतंग, नहीं पकड़ी है। देख रहे हो ना सक्रांत वाला टाइम आने वाला है। आने वाली हूँ मैं बहुत ही खास, है ना। मेरा बर्थडे मंथ, जो मेरा बर्थडे मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है जनवरी, और 13 जनवरी को मेरा बर्थडे है। आई एम टू एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। और इस बार मेरा पूरा एक ड्रीम तो कम्प्लीट हुआ, आईफोन वाला मस्त। तो अब देखते हैं बर्थडे पे क्या क्या प्लानिंग करनी है। और मैंने बताया था तन्नू, उन्होंने गिफ्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चलो सारा काम करके रेडी हो जाते हैं। आया ना मजा भिड़ो। आज मैं बहुत दिनों बाद कॉलेज भी गई थी। खोलना यार इसको, स्कूल वाले दोस्त मिल गए। और इसमें क्या हुआ? और आईफोन के लिए क्या बोला? आईफोन के लिए ऐसे बोले कि ना, रोहित ऐसे बोला तेरी दीदी के पास फोन है, तेरी दीदी तो नया फोन लिया ना। बोले हाँ। फिर बोले 15। बोले हाँ नहीं आईफोन, हाँ 15, हाँ प्रो, हाँ मैक्स, हाँ। यार एक ही वर्ड ऐसा, तुम्हें ऐसे ही बोला था क्या? हाँ ऐसे ही बोला था। एक ही वर्ड वो बोलता कैसे है ना, वो भी देख लेना, बहुत ही खतरनाक मस्त मजे आएंगे तुमको। और तनु आज जिम में मजा ही आ गया तनु को। अब तो खुश है ना, अब तो नहीं बोलेगी ना कि जिम लेके चल, जिम लेके चल, मेरा जी हराम कर दी है। चीजा धोखेबाज नहीं निकली। हाँ सही बात है, वेरी गुड। और अगर ये आज ही मेरे को धमकी दी थी मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगी, गुन्नू और ये लड़ ली है और मेरे को धमकी देती है कि तू मेरे साथ मत चलना, तेरे को लेके ही नहीं जाऊंगी। फिर मैंने क्या था, आरजू के साथ चली गई। लड़ाई हो गई थी हमारी, छोटी सी लड़ाई है तो, छोटी सी लड़ाई हुई थी ना। छोटी तो क्या थी, वो छोटी थी बेचारी को। तू यार काम नहीं करती है, ऊपर से नाटक और करती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे मस्त लग रही है। अब तन्नू बार बार इसको देगी तो ना यार, चेंज करवा इसको। जल्दी से बॉडी बना लूंगी मस्त, इतना खुश हूँ ना मैं, क्या बताऊँ तुमको। तो नीचे उतर जा भाई, आसमान में क्यों चढ़ गई, दिख रही और नहीं है। सो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सच बता रही हूँ। आज मैंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया और मुझे बहुत मजा आया। मैंने आज 400 कैलोरी बर्न करी, 400 हो गई ना, 200 तो समथिंग पे हो गई, साइकिलिंग पे हो गई। कल मैं पूरे दिन और 100 समथिंग उस कैलोरीज पे हो गई, ट्रेडमिल पे। बाकी परसों में पूरे दिन में सिर्फ पताशी खाई थी और पेटीज खाई थी, और जिम में जाके सब बराबर कर ली। हाँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आप लोगों ने क्या लिया है कमेंट में बताना गाइज। हमने मैंने तो लिया, मैं ना इस बार पक्का फिटनेस बनाऊंगी अच्छी खासी। पता है क्या होता है मेरे साथ में, है ना, दो चार दिन में डाइट करती हूँ, फिर एक दिन कुछ ना कुछ बन जाता है तो वो खा लेती हूँ। जैसे आज कुछ बनेगा, क्या बनेगा? छोले भटूरे।
तो मैं तो नहीं खाऊंगी आज छोले भटूरे, मैं तो खाऊंगी दबा के खाऊंगी। भैया ने कहा जितना खाओ ना उतना कम है। इसके लिए तो कभी यार कहा लगाएगी ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। देखो बहुत सारे, मैं ना एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी इस पे, खत्म हो जाएगी। हाँ एप्स लगाएगी ना, एप्स लगाएगी तन्नू, एप्स भी लगा रही थी आज। ये ना एक्सरसाइज करते करते बीच में एप्स लगाने चली गई, और ना फिर मैं बोली तन्नू एप्स बाद में लगाना, पहले एक्सरसाइज कर ले बैठ। फिर एप्स मैंने इसको फिर एक्सरसाइज करवाई, फिर एप्स एप्स लगा के थी लास्ट में। नहीं मैं तो लगा आई थी, मैंने स्टार्टिंग में लगा लिया था, लेकिन तीन बज गई है तो स्टार्टिंग में लगाओ या एंड में लगा लिया करो। और लास्ट वाला जो मैं लटक के गई ना, मजा आ गया। तपस्या, मेरा बर्थडे आ रहा है, और गिफ्ट गिफ्ट आने वाले हैं। ओ आज मैं कॉलेज की फीस दिया या मेरे पास पैसे नहीं है यार, ये कौन सी बात हुई? फीस तो पापा से ली थी ना, फीस तो पापा से ली थी, गिफ्ट तो खुद के पैसे से देगी। मैंने भी दिलाए थे खुद के पैसे, खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, भूले हुए गिफ्ट नहीं है। मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू गिनाती है गिफ्ट, हमें तो गिफ्ट दे देती है, कपड़े ला देती है, फिर खुलवा भी लेती है, लड़ाई होती है। तो मेरे कपड़े खोल, ये भी मेरा बिखारे ना भाई कपड़े। अच्छा कपड़े लेके आते तो खुद के पहना करना। ये मैं ना मेरी जो टी शर्ट लेकर आऊंगी ना वो भी मेरी पहनेगी। एक पजामा है जो 28 की कमर का है, अब वो ये कहाँ घुसाएगी? कौन सा 28 की कमर का है? वो वाला जो मेरे से खुलवाई थी, गुन्नू के लिए लेके आई थी 12th में। जी नहीं, दो साल हो गए उसको। अरे गुन्नू तो हड़प ली थी, वो मेरा ही पजामा था, मैं पहली बार खोली, पहली बार लड़ाई करती हाथ धो लिए थे इसने, और रिस्की हो गई थी। अब बॉयज हम छोले भटूरे खाएंगे गाइस, फालतू लोगों को इग्नोर करो, इग्नोर करो इसको।